हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नई जॉब की जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निकाली गई है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 12 आइकॉनिक स्पीकर्स और एजुकेटर्स होंगे। टोटल 12 टॉक्स और डिस्कशन होंगे। आप इसको फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। ये पूरी तरह से फ्री है। अगर सेशंस की बात करें, जो कि 15 अगस्त को होंगे, सुबह 9 बजे जो है राजा राममोहन राय पे सेशन होगा, इसके बाद 10 बजे दादा भाई नरोजी, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहनदास करमचंद्र गांधी, अबुल कलाम आजाद, और 3 बजे जवाहरलाल नेहरू, तथा 4 बजे का सेशन आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल पे होगा। इसके अलावा 5 बजे का सेशन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे होगा, और अगला सेशन जो कि 6 बजे होगा भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद पे होगा, और 7 बजे का सेशन आपका सुभाष चंद्र बोस पे होगा, और रात को 8 बजे वुमेन इन नेशनल मूवमेंट पे एक सेशन होगा। तो यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार टोटल 12 सेशन होंगे, जो कि पूरी तरह से फ्री हैं, और अनअकैडमी के आइकॉनिक स्पीकर्स द्वारा ये सेशन लिए जाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा आई ड्रीम नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया गया है, जिसमें फ्रीडम ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप 1 ईयर का कॉम्बो पैक लेते हैं तो आपको सीधे 27,000 का ऑफ दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप 2 साल का कॉम्बो पैक लेते हैं तो 40,000 तक का डिस्काउंट दिया जाएगा, और 3 साल का प्लान लेते हैं तो आपको 52,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज होंगी और प्रीलिम्स तथा मेंस की टेस्ट सीरीज होंगी। आप यहां पर देख सकते हैं, पहले जो बैच 1 साल का 77,000 रुपए का था, ये आपको 49,679 रुपए में पड़ेगा। वहीं पर 2 साल का बैच जो कि 1,12,000 का था, ये 71,801 में पड़ेगा, और 3 साल का बैच जो कि 1,40,000 में था, इसका प्लान अब 87,267 रुपए है। ये ऑफर जो है 18 अगस्त तक के लिए है, तो आप इसके अब सब्सक्रिप्शन ले लें। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में पिन किया है। लेकिन इस प्राइस पे अगर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, SRADDA, और अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज में 21 टेस्ट होंगे प्रत्येक ऑप्शनल कोर्स, जिसमें टोटल 16 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 5 जो है फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें टोटल 80 टेस्ट होंगे, 50 जो है प्रीलिम्स टेस्ट के होंगे, जिसमें 20 जो है फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 12 जो है सेक्शनल टेस्ट होंगे, और 18 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। इसके अलावा 30 टेस्ट जो है आपके मेंस टेस्ट के होंगे। लगभग 45,000 तक की कीमत की ये आपको 1 ईयर के प्लस सब्सक्रिप्शन पे फ्री में मिलेंगे। आप प्लस या आइकॉनिक कोई भी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पूरी तरह से फ्री है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर लाइवलीहुड की एक वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसके लिए आपको PG डिप्लोमा या फिर मास्टर डिग्री पास होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट, वुमेन स्टडीज, रूरल मैनेजमेंट या फिर सोशल वर्क में, और इसमें आपको 60,362 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अगली पोस्ट जो है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की है, इसमें एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसमें आपको PG डिप्लोमा या फिर मास्टर डिग्री पास होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सोशल साइंस जिसमें सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, LSW, पॉलिटिकल साइंस। इसके साथ ही 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें आपको 60,362 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अगली पोस्ट जो है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर माइक्रो फाइनेंस की है, इसमें एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। इसके लिए कैंडिडेट को MBA डिग्री पास होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या फिर रूरल मैनेजमेंट या फिर PG इन इकोनॉमिक्स कॉमर्स, और इसके लिए आपको 60,362 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अगली पोस्ट जो है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर कन्वर्जेंस की है, इसमें एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको PG डिप्लोमा, मास्टर डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट या फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फिर सोशल वर्क में पास होना चाहिए, कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आपको 60,362 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। अगली पोस्ट जो है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन की है, इसमें एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए कम्युनिकेशन में या फिर मीडिया साइंस में या फिर IT में, और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है 60,362 रुपए पर मंथ होगी। अगली पोस्ट जो है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसमें एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, और इसके लिए आपको PG डिप्लोमा या फिर मास्टर डिग्री पास होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट में, फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फिर सोशल वर्क,
अगली पोस्ट जो है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर की है, प्रोग्राम मैनेजमेंट, इसमें एक वैकेंसी है। इसके लिए आपको पीजी डिप्लोमा या फिर मास्टर डिग्री पास होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट या फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट में या फिर सोशल वर्क में। इसके साथ ही आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और सैलरी जो है आपकी 60,362 रुपये पर मंथ होनी चाहिए। अगली पोस्ट जो है मैनेजर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसमें एक वैकेंसी है। इसके लिए आपको पीजी डिप्लोमा, मास्टर डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट या फिर सोशल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पॉलिटिकल साइंस में पास होना चाहिए और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 60,362 रुपये पर मंथ है। अगली पोस्ट जो है मैनेजर कम्युनिकेशन इन डॉक्यूमेंटेशन की है, इसमें भी एक वैकेंसी है। इसके लिए भी आपको पीजी डिप्लोमा या फिर मास्टर डिग्री पास होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट या फिर सोशल साइंस में और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो है आपकी 60,362 रुपये पर मंथ होगी। अगली पोस्ट जो है मैनेजर मार्केटिंग कम प्रोजेक्ट की है, इसके लिए आपको MBA पास होना चाहिए मार्केटिंग में, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी सैलरी जो है 60,362 रुपये पर मंथ होगी। अगली पोस्ट जो है प्रोग्राम मैनेजर लाइवलीहुड IB की है, इसमें एक वैकेंसी है। इसके लिए आपको पीजी डिप्लोमा या फिर मास्टर डिग्री पास होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट में, रूरल मैनेजमेंट, सोशल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पॉलिटिकल साइंस में। 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी जो है 48,290 रुपये पर मंथ होगी। अगली पोस्ट जो है प्रोग्राम मैनेजर माइक्रो फाइनेंस की, इसमें एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके लिए आपको पीजी डिप्लोमा, मास्टर डिग्री पास होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट या फिर रूरल मैनेजमेंट या फिर सोशल साइंस में। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो है आपकी 48,290 रुपये पर मंथ होगी। अगली पोस्ट जो है प्रोग्राम मैनेजर की, एक वैकेंसी है। इसके लिए भी आपको पीजी डिप्लोमा या फिर मास्टर पास होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट में या फिर रूरल मैनेजमेंट में या फिर सोशल साइंस में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस में। इसके साथ ही 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो है आपकी 48,290 रुपये पर मंथ होगी। अगली पोस्ट जो है अकाउंट ऑफिसर की है, इसके लिए आपको BCom पास होना चाहिए या फिर MCom या फिर CA इंटर या फिर ICWA इंटर और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो आपकी 36,218 रुपये पर मंथ होगी। अगली पोस्ट जो है डेस्क ऑफिसर की है, एक वैकेंसी। इसके लिए आपको किसी भी ब्रांच में ग्रेजुएट होना चाहिए और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो है 36,218 रुपये पर मंथ होगी। अगली पोस्ट जो है सिस्टम एनालिस्ट की है, इसमें एक वैकेंसी है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फीडिंग, कंपाइलिंग तथा एनालाइजिंग डेटा में। इसके साथ ही सैलरी की बात करें तो 30,180 रुपये पर मंथ होगी। अगली पोस्ट जो है कैशियर की है, इसमें एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके लिए आपको BCom पास होना चाहिए और मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो है आपकी 24,145 रुपये पर मंथ होगी। अब बात करते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके 9 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 30 अगस्त 2021 है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर लें और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।